नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे साथियों जाड़े की एक बहुत बड़ी समस्या की, जो विंटर्स में आ जाती है, वह है स्किन में क्रैक्स। स्किन में हमारे क्रैक्स आ जाते हैं, चाहे वो लिप्स के कॉर्नर पे हों, चाहे वो लिप्स पे हों, चाहे वो टो में हों, चाहे वो फिंगर के बीच में हों, ये क्रैक्स आ जाते हैं और हम इससे परेशान रहते हैं। ये पेनफुल भी रहते हैं और ब्लीडिंग भी करते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, या यूँ कहें आज हम आपको बताएंगे इसकी 8 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में, जो आपके क्रैक्स को हील कर देंगी और आप ठीक हो जाएंगे। यह कार्यक्रम साथियों एक एजुकेशन के पर्पज़ से हम आपके सामने लाए हैं। डॉक्टर्स की राय दवाओं पे भिन्न हो सकती है और वो कभी सही भी हो सकते हैं, तो यह एजुकेशन के लिए है कि आप अपनी बीमारी और उसकी दवाओं के बारे में थोड़ी जानकारी पा लें। दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। साथियों अब हम लोग चलते हैं स्किन में आए क्रैक्स को रोकने और ठीक करने की 8 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय पर। साथियों सबसे बेहतरीन दवा जो इस क्रैक्स स्किन की होम्योपैथी में आती है, वह है पेट्रोलियम। यदि आपको स्किन में क्रैक्स हैं जो गहरे हैं, डीप हैं, वह स्किन आपकी ड्राई है, विंटर्स में ज़्यादा हो रहे हैं और वो स्किन रफ है, तो आपकी दवा साथियों पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके स्किन के क्रैक्स खत्म हो जाएंगे। दूसरे साथियों इसी की दवा आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटस 30 होम्योपैथी में बहुत कारगर उस स्थिति की क्रैक्स को ठीक करने की दवा है, जब आपके क्रैक्स फोल्ड ऑफ स्किन में हुए हों, यानी जहाँ पे स्किन मोती है वहाँ पर जो है आपके क्रैक्स हुए हों, जैसे आपके एक्जिला में हुए हों, आपके इसके उंगलियों के बीच में हुए हों, टो की उंगलियों के बीच में हुए हों, जहाँ भी स्किन के फोल्ड्स हैं, इनग्वाइनल रीजन में हुए हों, जहाँ भी फोल्ड के स्किन है, अगर वहाँ स्किन क्रैक हो रही है साथियों, तो उसकी सबसे अच्छी दवा ग्रेफाइटिस है। आप ग्रेफाइटिस 30 की 2-2 बूंद दवा दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपको क्रैक्स में बहुत लाभ मिल जाएगा। उसके बाद साथियों होम्योपैथी में क्रैक्स की तीसरी कारगर दवा आती है सरसापैरेला। सरसापैरेला 30 उस स्थिति में क्रैक्स की बहुत अच्छी दवा है, जब आपके क्रैक्स बहुत गहरे हो गए हों, स्किन के बहुत डीप हो गए हों। अगर आपके स्किन के क्रैक्स बहुत डीप हो गए हैं और वो आपको पेनफुल कर रहे हैं और वह टोस के किनारे हैं, तो उसकी दवा साथियों सरसापैरेला 30 है। आप सरसापैरेला 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो आपके जो टो के किनारे के और फिंगर्स के साइड के डीप क्रैक्स होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों इसी स्थिति की एक और दवा आती है सल्फर। सल्फर होम्योपैथी की बहुत कारगर उस स्थिति की दवा है, जब आपके क्रैक्स जो हैं वह ड्राई स्किन से हो रहे हैं और उसमें जलन हो रही हो। यदि ड्राई स्किन के साथ जलन आपके हो रही है, तो उसकी बहुत कारगर दवा साथियों है सल्फर। आप सल्फर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके यह क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर साथियों एक हम लोग देखते हैं अक्सर विंटर्स में ख़ास तौर से होता है कि आपके हील में क्रैक्स आ गए, बहुत ज़्यादा हील के साइड में, पैर के तलवे में क्रैक्स बहुत गहरे गहरे आ गए। अगर वह स्थिति साथियों है, तो उसकी बहुत अच्छी दवा लाइकोपोडियम है। आप लाइकोपोडियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके हील में आए, पैर में आए गहरे क्रैक्स जो विंटर्स में आ जाते हैं वह ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है जब आपके माउथ के साइड में, लिप्स के साइड्स में क्रैक हो गए हों। यदि आपके लिप के साइड्स में क्रैक हैं, तो इसकी साथियों बहुत ही अच्छी दवा है कॉड्यूरेंगो। आप कॉड्यूरेंगो 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो लिप के साइड में आए क्रैक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। फिर एक स्थिति साथियों और आती है कि आपके लिप्स पे क्रैक्स आ गए, लिप्स के बीच में क्रैक्स आ गए। यदि आपके लिप्स के बीच में क्रैक्स आए हैं, तो इसको माना जाएगा आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस है, और इसकी बहुत ही अच्छी दवा है ब्राइनिया। ब्राइनिया 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके लिप्स में आए क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे।
इसके बाद साथियों एक और कंडीशन आ जाती है, जब आपके फिंगर्स के साइड्स में क्रैक हो गए हों और आपके पैर की फिंगर के साइड्स में क्रैक हो गए हों और हील के साइड्स में क्रैक हो गए हों, अगर वह स्थिति साथियों आपके बनती है तो आपकी दवा है मेलेंड्रियम। मेलेंड्रियम 30 दो बूंद आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, आपके फिंगर्स और स्किन में जो क्रैक्स आए हुए हैं वह हील अप हो जाएंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। ये साथियों कुछ होम्योपैथिक दवाएं थीं जो हमने आपको एक एजुकेशन के लिए बताई। मैं फिर कहूंगा कि बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे यह दवा न लें, लेकिन आपको हमारा सोच है कि अगर आपको दवाओं के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो आप अपने रोग को भी बेहतर समझ पाएंगे। आयंस इंडिया होम्योपैथी भारत सृजन और डॉक्टर उमंग खन्ना का यह एक प्रयास था आपके सामने होम्योपैथी को लाने का। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी पहुंच जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक ना करा हो तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमको ताकत मिलेगी। और एक बेल बटन नोटिफिकेशन का है उसको आप दबा दें, प्रेस कर दें, क्लिक कर दें, तो आपको जो अपना नए से नया वीडियो है वो आपके सामने आता रहेगा। धन्यवाद साथियों। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर व्हाट्सएप करके हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं या कमेंट पोर्शन में रख सकते हैं, कोशिश करी जाएगी आपको संतोषजनक जवाब दिया जाए। धन्यवाद।